कि जिस कार में मैं आ रही थी, खुशू की कार में कार की चाबी अंदर रह जाती है, कार हो जाती है लॉक। अब इन्होंने शीशा फोड़ के चाबी निकाली है। मैं मिनी के साथ सोई थी, माँ ना गुड मॉर्निंग हो रही है, ठंड हो रही है, मैंने भी अपना चेहरा नहीं दिखाया, सूजा हुआ चेहरा। इसका भी चेहरा मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन भाई मैं एक पतला सा ये स्वेटर पहन के सोई हूँ, इनर भी नहीं पहना है, ठीक है। मैंने अभी देखा जो मुझे बोलती कि मैं इतने कपड़े पहन के नहीं सो पाती हूँ, उसने पहना है पहले ये गर्म नाइट सूट, उसके बाद पहनी है ये मोटी वाइल्ड क्राफ्ट की जैकेट, उसके बाद ये कंबल, अगर आप लोग को पता हो, याद हो हमारा पुराना मोटा कंबल, ये ऐसे सो रही है वो भी, एक दो तीन भाई हम बर्फ में नहीं आए मिनी, ओ भाई ओ गॉड, इसको अलग ही ठंड लगी है। गुड मॉर्निंग गाइस, सूजा हुआ चेहरा कम नहीं हुआ, आपको लगेगा मैं नहाई हूँ, लेकिन मैं नहा के आ गई हूँ, अब गर्म पानी पीने जा रही हूँ। गाइस ये अभी मैं खा रही हूँ आधा बन, यहाँ बन रही है चाय, चाय पी लो, पापे खा लो, पापे नहीं है समोसा है। गाइस इतना सुंदर व्यू है ना, अभी नहा के चाय वाय पी के ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही हूँ, लेकिन यहीं पर फोटोज वीडियोस बना रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, सब मेरा फोटो क्लिक कर रहे हैं, सबका एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है। अरे भाई यहाँ पे पूरे गांव वाले आ गए, ओ गांव वालों के फोन निकल गए हैं, मेरी मम्मी कह रही झंडा मिस न हो जाए, अरे फहरा दो रे झंडा, 2 अक्टूबर का झंडा फहरा दो, चुप जय। मॉर्निंग गाइस, मैं तो फोटोशूट वगैरह कराई थी, माँ से वीडियोस वगैरह बनाई थी, मेरी विनी नहा रही है, और मुझे मम्मी आती और अभी बताती कि जिस कार में मैं आ रही थी, खुशू की कार में कार की चाबी अंदर रह जाती है, कार हो जाती है लॉक, अब इन्होंने शीशा फोड़ के चाबी निकाली है, तो मैं वहाँ के जरा सीन्स देख के आ रही हूँ कि इन्होंने किया क्या है ऐसा। जिंदगी में कभी चाबी मत भूलना, ठीक है। ओ भूल गई, वो सेंसर काम कर रहा है अपनी डिग्गी में, लेकिन अंकल अब क्यों उस टाइम क्यों नहीं काम कर रहा फिर? ये क्या हो रहा है? तुमने मैनुअली बंद की थी यहाँ से, तुमने नहीं नहीं हाथ से बंद करना अंकल, कर दिया बंद, चाबी रख पूरा, तुमने ये वाला खोलने की कोशिश की, पहले तुमने ये खोला, ये शीशा खोल लेते, मैंने कभी नहीं खुलने का, खराब हो जाएगा ये, खुलने का नहीं, नहीं इसको खोल के देख, दिख गया वो तो इलेक्ट्रॉनिक वाला है ना पूरा, आय हाय देख के इतना बुरा सा लग रहा है मेरे को सच में, भाई जिंदगी में वैसा मत करना तुम, ये मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है और तुम्हें हमेशा ये चीज पता रहेगी। चलो, समझ नहीं आया वैसे, ऐसे गाड़ी लॉक होती नहीं है, ये कैसे लॉक हो गई, अब शीशा टूटा है, और जहाँ हमारी पार्किंग है ना उसके चारों तरफ आप देखो बसें ही बसें खड़ी हो गई हैं, और निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, 1.5-2 घंटे में जब ये बसेस हटेंगी उसके बाद ही हम निकल पाएंगे, दिखाती हूँ आपको, देखो ये हमारा नीचे हमारा होटल है और यही एक रास्ता है पार्किंग से बाहर निकलने का, बसें, और ये लोग बोल रहे कि 600 बसें हैं, भाई कहाँ खड़ी होंगी, पार्किंग भी क्लोज है कि वहाँ ये बसें खड़ी हों और हमारी कार निकल पाए, और हमें आगे निकलना है गंगोत्री की तरफ, देखो पीछे तक बसें बसें हैं, कैसे ही जाएंगे हम भाई, नीचे तो गाड़ियाँ हैं, कितनी बसें संभालेंगी, कार में बैठ चुके हैं, अब हम जाने वाले हैं, सबकी गाड़ियां आ चुकी हैं और बस हट गई है सारी की सारी अचानक, क्योंकि पुलिस आ गई थी और उन्होंने दो 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 सबको कर दिया। हम निकले हैं और सबसे पहले हम यहाँ पीछे तिरपाल वाली पन्नी लगाने वाले हैं, यहाँ से ये लोग पन्नी ले रहे हैं, ब्लैक कलर की पन्नी, सतुल कवर, यहाँ सतुल कवर हो गई है, लोग लगे पड़े हैं यार। गाइस मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं समझ आता है, वैसे मेरा आने का प्लान तो नहीं था, मम्मी पापा बताया, एज आई टोल्ड यू मेरे को डेट हो गई है, आई एम ऑन डेट, मेरे यमुनोत्री के दर्शन तो हो गए हैं, अगर हम अभी गंगोत्री जा रहे हैं तो बाहर बाहर से दर्शन होंगे, मैं अंदर नहीं जा पाऊँगी, और इतना पेट दर्द हो रहा है, हीटिंग पैड्स लगा के मैं बैठी हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, चाय चाहिए, कहीं पे भी शुरू हो जाते सब फोटोज खिंचाने, पार्किंग के बाहर शुरू हो गए, नाश्ता नहीं किया अभी तक, प्रसाद ले लो, काफी है भाई, भूख लग रही है, नमकीन से काम चला रही हूँ, ये लोग कहीं रेस्टोरेंट तो लेके जानी है, चलो कुछ खाते हैं, पेट पूजा करनी है मुझे कब से।
नहीं इसमें ना वो यंग यंग। अरे ये लड़की कौन है, ये दो चोटी वाली चुटकी, ये फिर फोटो शूट करने लग गए भाई। इनका कुछ नहीं हो सकता, हर जगह गाड़ी रोकेंगे फोटोज खींचेंगे। चल लो भाई ब्रेकफास्ट करा दो, भूख लग रही है। बताओ कैसे से लोग हैं, कह रहे सीधा ब्रंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करानी ले, कह रहे लंच खा लो बस। बदतमीज लोग हो रहे हैं बहुत। शानू शानू बेटा खाना खा ले। अब हम रुके हैं फाइनली कहीं पे कुछ खाने। उधर राजमा नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, इन पहाड़ों पे राजमा नहीं चलते, वो जोशी मठ के पहाड़ है। दाल मिल रही है बस यहाँ पे। पराठे 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 तो गाइस हमारा डिसाइड हुआ है कि हम जा रहे हैं गंगोत्री। तो हमने करवाया अपने कार में भर के, उल्टी करा दी हमने कार को फ्यूल की और उसके बाद हम जा रहे हैं। सबसे पहले उत्तरकाशी से होते हुए हर्षिल पे रुकेंगे, ऐसा इसका कहना है। दो गाड़ियां आगे चल रही है, दो गाड़ियां पीछे चल रही है, बहुत भसड़ हो रही है गाइस, क्या बताऊं उसमें आपको, लड़ाइयां चल रही है, डंडों से हाथापाई हो जाएगी हमारी पूरी फैमिली। तुझे बोला था यहाँ पे खाना खाना है, तू यहाँ पे क्यों नहीं रुका? तूने मेरा खाना कैंसिल कैसे कर दिया, मेरा ब्रेकफास्ट कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्या होगा। चलो चलते हैं। गाइस थोड़ी देर हुई है मैं चलते हुए, मेरा सर चकराने लगा, वॉमिट जैसा लगने लगा, ब्रेक ले रही हूँ मैं, क्या करूं, बहुत अजीब लग रहा है। एक दो तीन चार पाँच छह सात, यहाँ पे रुकेंगे सात लोग, इनके तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ रुक जाएगा। गाइस खाना लग चुका है, हम खाना खा रहे हैं, दाल चावल दाल चावल दाल चावल। पाँच मिनट बाद आना ठीक है भैया? ओके मैडम। रोटी सब्जी दाल चावल 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 लो चावल। रसद रसद बहुत है तुम्हारी बीन्स की सब्जी में, ऐसा फील आ रहा जैसे शादियों में नहीं खाते लोग। खाने के बाद कुछ मीठा हो रहा था, एक ही लड्डू बचा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है और मैंने अपना खोपड़ा भी धो लिया है। अब मैं अपना श्रृंगार का सामान फैला के बैठी हूँ, मैं श्रृंगार करूंगी थोड़ा बहुत। मिनी नहाने गई है, मासी को इतनी ठंड लगी पूरी रात भर कि हमने उनको उलन का सूट बनाया है जिससे उन्हें गर्मी ना लगे। और मैं पहनने वाली हूँ एक पतला सा टॉप क्योंकि आई एम हॉट और उनको लगेगी बहुत ठंड, इसलिए उन्हें बनाया उलन का सूट। जिनको जो इतनी चीटियाँ काटेगा, धूप निकलते इतनी चीटियाँ काटेगा, मैं आपको इसका अपडेट जरूर दूंगी। और हमारे इस ट्रिप का आज का हॉट टॉपिक चल रहा है, वेयर इज द कैटल। पापा की हॉट कैटल इन लोग ने खो दी है, हमारे पास चार गाड़ियां हैं, किसी में कैटल नहीं रखी है, ये लोग कैटल छोड़ा है यमुनोत्री में। और यहाँ हो रहा है सुबह से बवाल, रात में बवाल, सुबह बवाल, फैमिली ट्रिप पे बवाल ही बवाल, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। हाय गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी। पहले मैं जीन्स टॉप पहन रही थी लेकिन फिर मैंने सूट ही पहन लिया, ये इतना मुसमुसा हो रहा है ना, तो मैंने फिर भी पहन लिया कि चल जाएगा चल जाएगा। इसके नीचे मैंने स्पेगडी पहनी है और एक एक्स्ट्रा टॉप भी रखा है कि मैं कुर्ता उतार के ही टॉप भी पहन सकती हूँ। और नीचे मैंने पहनी डेनिम जीन्स। और यार पता भी क्या कन्फ्यूजन चल रहा था कि आगे जाके ठंड लगेगी तो मैं कौन सी कलर की जैकेट पहनूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है ब्लू, दूसरा है येलो मस्टर्ड। तो सब कह रहे हैं मस्टर्ड, मतलब 50% बोल रहे हैं ब्लू, 50% बोल रहे हैं मस्टर्ड, और इतना कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने दोनों रख ली हैं। तो चलो अब हम चलते हैं मंदिर। अभी हम लोग रुके हैं किस जगह पे मुझे नहीं पता, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, मनेरी रुके हैं हम लोग। अब हम मनेरी से जा रहे हैं गंगोत्री, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, शायद 2 बजे तक पहुँचेंगे। चलो चलते हैं। यहाँ लग रहा है बैग, यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, यहाँ पे भी फ़ोटो शूट हो रहा है, यहाँ बैग लगेगा, सब गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं। चलने के लिए तैयार हैं, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, करेंगे अब हम ब्रेकफास्ट कहीं रुक कर। अपनी जगह सही है, साउथ इंडियन में मिल रहा है गाइस यहाँ पे, साउथ इंडियन हमारी डिग्री हमारी डिग्री। जी है हमारी आज की बेटा नंबर बड़ा।
मैंने खाए हैं पराठा, इन्होंने खाई है मैगी और हमारे आ गए मोमोज। मैं भी पहली बार देखूंगी, तभी इतनी एक्साइटेड हूँ। एंट्री फीस यहाँ पे 50 रुपए लिखी हुई है, 50 रुपए एंट्री फीस। अब हम देखेंगे हाँ इधर कितने सारे एप्पल लगे। इन्होंने बोला कि आपको एक भी सेब तोड़ने नहीं देंगे, फायदा क्या उदित? मैंने यहीं से देख लिया सेब लगे हुए, मैं हाँ हम यहाँ से खा लेंगे सेब। चलो आओ गर्ल्स यहाँ से खाते हैं सेब। बिल्कुल लाओ एप्पल दो। देखो बड़े साइज के गाइस, मैंने कार में किया है क्विकली वाला चेंज क्योंकि बहुत सुंदर लोकेशन मिली है और हम लोग नीचे जा रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। मम्मी पापा की गाड़ी फुर आगे भाग चुकी है, वो रुके ही नहीं है, उनको है टाइमली पहुंचना है, लेकिन हम लोग पीछे पीछे घूमते फिरते रुकते हुए जा रहे हैं। तो चलो नीचे चलते हैं, वहाँ नीचे जाना है और मैं भी यहाँ ऊपर हूँ, यहाँ से जाऊंगी। वीडियो देखो कैसे बनाई जा रही है, भाग भाग के वीडियो बनाओ, भाग भाग के वीडियो बनाओ, वेरी गुड। यहाँ विन्नी, वहाँ मासी, ये दोनों, बाकी टीम ऊपर खड़ी है। वो वाइट गाड़ी आपको दिख रही होगी, बहुत देर हो गई हमें यहाँ, 1 घंटा हो चुका है रुके हुए। देखो वहाँ पे ज्यादा हो रही है। अब यहाँ विन्नी ने फिर दौड़ना शुरू किया है। पार्किंग में है और मैंने जैकेट पहन ली है, ये मेरा नूना पद्दू है, सामान निकाल रहे हैं। कहाँ गंगोत्री? यहाँ देखिए बताओ, पार्किंग पे नहीं गंगोत्री में आए। अच्छा अभी हम गंगोत्री की पार्किंग में आए हैं, कहाँ आए हैं हम? दोबारा बोलो, गंगोत्री की धाम, गंगोत्री धाम बोलो, गंगोत्री धाम की पार्किंग में आए। वेरी गुड। इसी बात पे इसके इसके चीक्स देखो पहले, चीक्स चीक्स, ये किसने किया है? आपने। ये कौन है नॉटिकल? गाइस पार्किंग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद आपको 800 मीटर पैदल चलना होता है, और जो लोग नहीं चल पाते उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा है। कस्तूरी पड़ा आखिरकार ये लोग का सबल और खा रहे हैं डोसा। गाइस ये मंदिर का रास्ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकती हूँ, तो मैं नीचे ही वेट कर रही हूँ। यहाँ पे विनी की फैमिली पूजा करवा रही है और मेरी फैमिली मतलब मम्मी पापा ऊपर ही मंदिर में नहीं बैठे क्योंकि वो लोग बहुत पहले पहुँच गए थे। और ये यहाँ पे घाट है, आपको यहाँ पे नहाना है और फिर आपको मंदिर जाना है। गाइज मैंने अभी अभी नोटिस करा, आपने कुछ पहचाना? रिंग मैंने बनाया था एक दिन से, मासी से यूज़ कर रही है। क्या कुछ नहीं मासी, मैंने कहा ये की रिंग आप यूज़ करो, मुझे देख के अच्छा लगा है, जिसका भी बैग है ये परी का। हाँ परी का, मैंने भी रखा है संभाल
अच्छा ये परी का है, ओके गाइस पांडा मिला है मुझे। इसको इतनी ठंड लग रही है, मेरी मम्मी को इतनी ठंड लग रही है कि जैकेट ओढ़ के ऐसे ओढ़ के बैठी है। अच्छा चलो मम्मी अब तमीज से बताओ मंदिर में आके कैसा लगा? मन शांत हुआ? मम्मी को तो जल्दी चलो गंगोत्री मिस नहीं होना चाहिए, भागी जा रही पापा मम्मी गाड़ी सबसे आगे। दर्शन कर लिया फाइनली, मम्मी के दो तीन धाम कंप्लीट हो गए। मम्मी का केदारनाथ धाम करवाऊंगी मैं बहुत जल्दी, फिर मम्मी के चारों धाम कंप्लीट हो जाएंगे। चलो इसी बात में मम्मी को पुच्ची दे देती हूँ। अब यहाँ ये लोग गंगा की आरती करते हुए, अब है पेट पूजा की बारी और हमें मिल गई है यहाँ पे आलू की टिक्की। मेरी मम्मी की फेवरेट तभी आगे खड़ी हो गई है। हाँ पता है हमें, आप हो आलू देवी, ठीक है ओके। दो टिक्की लगा के देना टिक्की, कुछ मत डालना सिर्फ टिक्की लगा देना। अरे इसके लिए अपने लिए अपने लिए। और तू क्या खाएगा? मैं तो डोसा ही खाऊंगा। लिस्ट बताना अपनी जो तू मुझे गिनवा रहा था। इडली, इमरती और समोसा। ओके मैं भी इन उधर साथ। टिक्की टिक्की टिक्की, अब सब खा रहे हैं टिक्की, सबको इतनी पसंद आई टिक्की। गाइस हमारे दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी और शायद हम वहाँ स्टे करेंगे, वहीं डिनर करेंगे क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है। और बाकी मैंने तो बार बार से दर्शन किए, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं जाके अंदर भी दर्शन करके आऊँगी, लेकिन मेरे बाहर से तो हाथ जोड़ ही लिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब मेरा बस एक ही धाम बचा है मम्मी पापा का भी, केदारनाथ, वो भी जल्दी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो पहले तो चलते हैं हम भैरव घाटी। तो हम आ गए उस जगह जहाँ हमें जाना था। गाइस फटाफट खाना खा लो। हम लोग आ गए हैं हर्षल टाउन और यहाँ पे आके ना सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छे अच्छे होटल्स मिलने वाले हैं। मैं भी, वाइट वाइट चद्दर मिलेगी सुंदर सी। इधर देख के बोलियो। गाइस हम लोग हर्षल में और हम लोग ढूंढ रहे हैं होटल वाली जगह, तो हमें ये दिख रही है, देखो कितनी सुंदर हट दिख रही है ऐसी ग्राउंड राउंड सी। अब पता नहीं ये कैफे है या हट है, तो हम जाके पूछ रहे हैं कि यहाँ का सीन क्या है। दी गाइस स्नोबोर्ड, ये है वो, लेकिन ये सारे के सारे बुक हैं। अब हमें कहीं और ही जाना पड़ेगा यार, ये बहुत सुंदर था। देख के तो आए थे हम इतने अच्छे अच्छे पीछे से, लेकिन रूम्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हमें उससे भी सुंदर एक जगह पे बहुत प्यारा सा सेटअप मिला है। तुझे कैसा लगा ये सेटअप? मुझे ये नहीं पता, लेकिन मम्मी पापा का भी बहुत लक्स कोजी टाइप का हनीमून कपल वाला रूम है, और मेरा और विनी का ये रूम है। हम दोनों का रूम सबसे ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऊपर है हम लोग, सब नीचे है। ऊपर मतलब समझ गए ना? तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ, यहाँ हम सोएंगे मैं और विनी। जितने होटल से भी देख के आए ना, उनकी हालत इतनी खराब थी ना, और वॉशरूम इतने गंदे, ये इतना नीट एंड क्लीन, बेडशीट इतनी सुंदर, वॉशरूम इतना क्लीन, बहुत सुंदर लग रहा था ये, तो हमने इसको फाइनल किया है। गाइज कहाँ गई ये दिख रही है ये हुडी बाबा, इस रूम को ढूंढने का सारा क्रेडिट हुडी बाबा को जाता है। हमें ना रूम ही नहीं मिल रहे थे, हमें लगा हम पता नहीं कहाँ सोएंगे। थैंक्स दीप्ति, खुली हवा है ये बोर। और ये कहीं आम का पेड़ है, आम ये एप्पल का दिख नहीं रहा यार, ये एप्पल का पेड़ है गाइस, दिख नहीं रहा है लेकिन
और यहाँ पे मम्मी पापा लोगों का रूम है। मम्मी पापा का रूम ना पूरा हनीमून सूट है। हाँ देखो पहले ये लोग यहाँ सो रहे हैं सारी लेडीज जनता, ठीक है। रूम दिखाओ ना। मम्मी पापा का रूम दिखाती हूँ, ये देखो पहले ये जगह है छोटा सा क्यूट सा, ये क्यूट सा रूम दिखाती हूँ इनका हनीमून सूट। टडा, ये है मम्मी पापा का क्यूट सा रूम, क्वीन बेड है यहाँ पे। बस पापा मम्मी को धूम लात मार के गिरा मत देना। और यहाँ सोने वाली है हमारी नोना पद्दू, सो रहे हैं परिवार मासी सोएंगी और बॉन फायर करेंगे यहाँ। बॉन फायर वहाँ चल रही है, मम्मी यहाँ बॉन फायर करेंगे और यहाँ सारी लेडीज जनता और बाकी सो रही है। गाइज हम लोग देख के आए थे जो रूम्स वो इतने लग्जरी सुंदर, हमें सोचा था हम यहाँ स्टे करेंगे ये वो। हम लोग 20 लोग हैं, उनके पास सिर्फ 2 रूम खाली या 3 रूम खाली, या फिर समझ ही नहीं आ रहे थे। मतलब ऐसा था कि ऐसा हो रहा था हमें 2 लोग इस होटल में रह रहे हैं फिर 2 लोग अलग होटल में रहेंगे, ऐसा हो रहा था। फिर हमें सोचा कि हमें कहीं और जाना पड़ेगा 10-20 किलोमीटर और आगे। फिर मासी ने जगह ढूंढी, ये सच में बहुत अच्छी जगह है, मतलब वर्थ इट है। मतलब जितना इसका प्राइस है ढूंढने में कितने के हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्यारे कोजी से लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं ना फोटेल्स। और इतने यहाँ पे सेब वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ठंडा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। काफ़ी अच्छा स्टे आज का, सबसे अच्छा स्टे आज का ही हुआ है हमारा। ये मेरी मम्मी को बताओ, उनको हर पत्थर सुंदर लगता है। इस पत्थर में से क्या स्पेशल है जो ये सुंदर है मम्मी, हैं क्या स्पेशल है इसमें? वो मेरी नजरों से देखो ना। ओह रुक जाओ देखने दो। और इस गाड़ी में चल रही है पार्टी, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। कितना अच्छा नहीं लग रहा? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मम्मी। मेरी मम्मी को हो रहा है बुखार, शरीर टूट रहा है मम्मी। हाँ राइस यहाँ बन रहे हैं पोहे। हाँ जी ब्लॉग बना रही हूँ आंटी जी। मेरे नाम के पोहे कहाँ गए? बन रहे पोहे, हमारे पोहे आपने खा लिए? अच्छा मेरी पूरी फैमिली इतनी बड़ी है, क्या करूँ मैं बताओ, हमें ही नहीं मिल पाता खाने को। दोबारा बन रहे हैं क्या? बन रहे दोबारा, अभी खा रहा। तो बहुत भूख लग रही थी भाई। सो गाइस फाइनली हमारा ट्रिप लगता है समाप्त होने वाला है, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी मैं बस ड्रेस्ड अप होके आई हूँ, 3-4 गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं, एक गाड़ी जा चुकी है। अब हम लोग शायद घर जा रहे हैं ना, रिव्यूज भी देने हैं। ये बहुत अच्छा होम स्टे था, शानवी होम स्टे, ठीक है गाइज। और ये है हर्षिल उत्तरकाशी में, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पे आके ज़रूर रुकना अगर आप हर्षिल आते हो तो। बहुत मज़ा आया, बहुत अमेजिंग खाना था, हमने कितने पराठे खा लिए होंगे यार, बहुत पहले तो। बहुत मज़ा आया यहाँ पे हमें। सो अभी हम खाली से फीलिंग, हाँ बहुत अच्छा था। और यहाँ पे एप्पल के भी पेड़ लगे गाइस। अच्छा हम उसे 50 रुपये देखे, हम गए नहीं थे एंट्री पे। या बस अब सब अपना फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, निपटा रहे हैं, अब एक एक करके घर जा रहे हैं। अब देखते हैं बीच में किसी लोकेशन में रुकेंगे तो रुकेंगे, नहीं तो सफ़र का मज़ा लेके घर चढ़ता है। इसने भी तोड़ा एप्पल गाइस। मुझे अभी अभी अपडेट मिला है हमारे ड्राइवर से, हमारे मोटू से ड्राइवर से, कि हम लोग घर नहीं जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं गणतंत्र दिवस की घंटांगली। घंटांगली मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना फंबल कर रही हूँ मैं। मतलब वो हर्षिल से कितने किलोमीटर दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। और हमने फोन पे झूठ बताया कि 5 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, वो एक ट्रैक है। तो हम 2 गाड़ियां जा रही है हमारी और पीछे आ रही है विनी की। मम्मी पापा और मासी मुसी वाली गाड़ी हमने भेज दी है हरिद्वार, तो हम लोग जा रहे हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं गणतंगली, ट्रैक है ये एक, और बहुत पैदल चल के जाना है इसमें। हम दोनों गाड़ियां आ गई हैं और यहाँ मेरी जनता भी आके बैठ गई है। चलो आपको दिखाती हूँ, दे रही हूँ। गाइस ये ट्रैक बड़ा डरावना सा है, बहुत टिड्डा सा ट्रैक है और आप नीचे ही देख सकते हो कितना गहराई है। पता नहीं कैसे होगा, है तो सिंपल चलना ही बस, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन 2 किलोमीटर जाना है 2 किलोमीटर आना है, ऐसा सीन है यार। सच बताऊँ मुझे इस पूरे 3-4 दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सोशल मीडिया ब्रेक हो गया और होता नहीं, पहाड़ों में मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा हाउ मच आई लव माउंटेन्स। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी रिफ्रेश और रीस्टार्ट हो गई हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया, इतना सडन ये ट्रिप मेरा हुआ। और आज ये लास्ट डे है, हम लोग यहाँ आए हैं, फिर हम आज ही लेट नाइट हरिद्वार पहुँचेंगे, ये हमारा प्लान है। बाकी कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा ये बात ही बता दूँ। अभी मैं यहाँ अकेले चल रही हूँ, पीछे वाले बहुत पीछे, आगे वाले बहुत आगे हैं, तो मैंने सोचा
मैं अकेले नेचर को एंजॉय करती हुई चलूँ, तो सोचा आप लोग से ये चीज़ें मैं शेयर कर दूँ। आप देखो ना कितना सुंदर ये छोटा सा ट्रैक जा रहा है, ये पहाड़ हैं, नीचे बिल्कुल नदी बह रही है, पीछे देखो आप, मैं दिखा पाऊँ आगे नीचे नदी तो मैं आगे से दिखाऊंगी आपको, नीचे नदी बह रही है, बहुत अच्छा खासा गहरा है ये, कितना बड़ा पत्थर है गाइस। ऐसा लग रहा है हर 100 मीटर चलने के बाद मेरा मन कर रहा है मैं बार बार बोलूँ ये ट्रैक बहुत ज़्यादा सुंदर है। वीडियो बना रही हूँ, वैसे आप एक बार ये व्यू देखो, बारे में कैसे समझाऊँ आपको, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। डेस्टिनेशन आ जाएगी हमारी, हमें आगे एंड में क्या आएगा, बहुत रिस्की सी वुडन स्टेयर्स है ये, ऐसे चलना पड़ेगा यहाँ पे। नीचे बहुत बढ़िया व्यू है, जाओ मजा आएगा। यहाँ पे तो इनका खाना शुरू हो गया भाई, तुम लोग पोहा भी लेके आए थे क्या? चम्मच यहाँ पे शूट खत्म नहीं हो रहा अभी। 2 घंटे का ट्रैक 4 घंटे में इसलिए बदलते हैं, हम इतनी फोटोज वीडियोस खींचते हैं ना जिसका अंत ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाते हम अपनी डेस्टिनेशन। कितने अनहाइजीनिक हो तुम लोग, पे हाथ धोए हैं जूते से? हां गाइस, अभी अभी कुछ ने बोला कि लगता नहीं हम आज हरिद्वार पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे कितने बज गए, टाइम क्या हो रहा है, 2 बज गए हैं, और अभी भी हम हर्षिल से भी ऊपर है। अब हम हर्षिल में जाके करेंगे लंच, उसके बाद हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए। अब देखते हैं कहाँ तक, हम कितनी रात तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि अब नॉन स्टॉप जाएंगे नहीं तो घर वाले बहुत सुना देंगे भाई कि वो दोनों पहुँच गए और हमारी दोनों गाड़ियाँ पहुँची नहीं है। अरे ये कौन सा स्वैग चल रहा है आपका परी? दीप्ति की शक्ति खूब मचाए, सामने कोई टिक ना पाए, हमारा भीम, दीप्ति भीम, क्या हुआ लूना पद्दू, टाइट फिस हो गई अब इसकी। हमारा ट्रैक हो चुका है, हम लोग वापस जा रहे हैं अब, बहुत थक गए हैं, 3:30 तो यहीं बज गए हैं, कुछ खाएंगे। हर्षिल में सुना है राजमा चावल बहुत फेमस है, तो हम शायद राजमा चावल ही खाएंगे, लंच करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम जितना नीचे पहुँच पाते हैं वहाँ पहुँचेंगे, और आपको ऐसी अपडेट में देती रहूँगी। और आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे मेरा ये ट्रैवल व्लॉग, और अगर अच्छा रहा रिस्पॉन्स तो मैं जब भी कभी ट्रैवल करूँगी या कुछ भी ऐसा होगा तो मैं आप लोगों के लिए भर भर के व्लॉग्स ज़रूर लेके आऊँगी, जिससे आपको भी पता चले कि हाउ आई ट्रैवल और कैसे क्या सब कुछ होता है मैनेज, कितने फकअप्स होते हैं, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितना फ़न होता है, सब आपको देखने को मिलेगा। तो चलो ऐसे ही बने रहिए, आगे देखते रहिए कहाँ जाता है, कहाँ लेके जाता है हमें हमारा सफ़र। ट्रैफिक जैम, अब तो हमें राजमा चावल पता नहीं कब नसीब होंगे। मैं तो खा रही हूँ एप्पल, ये सब देख रहे हैं मेरी शक्ल, और यहाँ इसने गाड़ी रोकी है, बिल्कुल पेड़ की हालत ऐसी है, और इसके नीचे हमारी कार खड़ी है, देखो पीछे भी नहीं की कार दिख नहीं रही। हरी मिर्च बहुत तेज हो रही है राजमा में, फाइनली राजमा मिल गया पहाड़ों में। गाइस 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 गाइस, अंधेरा हो गया है घर जाते जाते, रुके हैं थोड़ा ब्रेक के लिए, मेरा खोपड़ा दर्द हो गया है, नींद आ रही है, क्या जा रहे हैं हम फिर से वॉशरूम के लिए पहाड़ियों में। चलो गाइस, यहाँ पे इतनी सुंदर मिल्की वे दिख रही है ना, वो तो इसमें कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ तो मैं दिखा नहीं पाऊँ, तो हम सारे यहाँ खड़े होकर बस मिल्की वे देख रहे हैं, कितनी सुंदर लग रही है।
गाइस फाइनली आई एम बैक होम। रात के 2 बज रहे हैं, मैंने फटाफट से चेंज किया है। अब थोड़ा बहुत सा मेकअप डस्ट रिमूव करके मैं तो चली हूँ सोने। आई होप आपने मेरा ट्रैवल ब्लॉग इन्जॉय करा होगा। और मुझे तो अभी ये भी नहीं पता ये एक पार्ट में आएगा या 2 पार्ट में आएगा। आई विल ट्राई कि मैं एक ही पार्ट बनाऊँ, 2 पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा और बोरिंग हो जाता है। बाकी तो बस ऐसे मेरे वीडियोज को देखते रहे। मुझे बहुत ज़्यादा नींद में मैंने सोचा एंटलिप लेती हूँ। मैं कभी भी एंटलिप नहीं ले पाती हूँ अपने ब्लॉग की जब मैं कुछ ऐसा ट्रैवल ब्लॉग बनाती हूँ। सो बाकी यही बात है। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। प्लीज़ 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 कमेंट जरूर कर देना अगर आप ऐसे ही ब्लॉग्स में देखना चाहते हो। तो जल्दी मिलती है आज नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, आई लव यू, गुड नाइट।